आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने डिजिटल स्टॉप वॉच बनाना है। तो सबसे पहले मैं कपूर उठाता हूँ यहाँ से, और सबसे पहले आर्डिनो ऊनो उठा दें, कोई भी आर्डिनो आप पिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए एलसीडी, जिस पे आप शो करेंगे स्टॉप वॉच के जितने भी जो भी डिजिट्स होंगे। मैं यहाँ से 20x4 की एलसीडी उठाता हूँ, और एक हमें बटन चाहिए होगा, ठीक है। बटन के ऊपर डबल क्लिक कर दें और उसके बाद ओके कर दें। सबसे पहले आर्डिनो को यहाँ पर रख दें, और आर्डिनो को रखने के बाद आप एलसीडी उठाएं, और एलसीडी को जितना इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ। एलसीडी को पिन जल्दी जल्दी मैं कनेक्ट कर देता हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो, और उसके बाद नेक्स्ट जो मरहला है वो करते हैं, ठीक है। साथ में मैं इसको ग्राउंड और पावर भी देता हूँ। याद रहे कि कुछ लोग जो है वो आरटीसी को यूज़ करके, रियल टाइम क्लॉक को यूज़ करके, उसके साथ आर्डिनो के साथ इंटरफेस करके और फिर उससे स्टॉप वॉच बनाते हैं, मगर याद रहे कि आर्डिनो में जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है 8 mL का, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट टाइमर लगा होता है। तो आपको जो है आरटीसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी टाइमर को यूज़ करके आप स्टॉप वॉच बना सकते हैं। उसके बाद हमें बटन चाहिए होगा, वो बटन मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। इसके साथ कुछ लिख लेते हैं, तो यहाँ पर मैं इसके साथ स्टार्ट लिख लेता हूँ। तो स्टार्ट लिखने के लिए, लिखने लिखाई के लिए यहाँ पर आप आ जाएं और यहाँ पर क्लिक कर दें, उसके बाद ओके कर दें, और यहाँ से आप उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। मैं तो 17 कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल इसके नीचे रख लेता हूँ, और इसी बटन्स की मैं 2 कॉपियाँ और ले लेता हूँ, क्योंकि हमें 3 बटन चाहिए होगा, एक स्टार्ट के लिए, एक पॉज के लिए और एक रिसेट के लिए। ये मैंने कर लिया है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, और इनको भी जो है वो इसके ऊपर लिखे पास लिख दें, और जो थर्ड वाला होगा उसके ऊपर हम रिसेट लिखेंगे। इसके ऊपर मैं रिसेट लिख देता हूँ, और ये कंप्लीट हो गए हैं। इनको आप किसी भी पिन, डिजिटल एनालॉग पिन के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको यहाँ पर 2 नंबर पिन के साथ इसको इंटरफेस करता हूँ, और नेक्स्ट जो बटन है उसको 3 के साथ, और नेक्स्ट उसके बाद जो स्टार्ट वाला है वो 4 के साथ, ठीक है। याद रहे कोडिंग की लिखते वक्त आपको ख्याल रखना चाहिए इन पिन्स का। मैं इसको यहाँ पर तीनों को आपस में कनेक्ट करके इसको ग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर ग्राउंड लगा दें। अब सर्किट आपका कंप्लीट हो चुका है। करना हमने ये कि एक स्टॉप वॉच बनाना है कि जब हम स्टार्ट का बटन प्रेस कर दें तो वो स्टार्ट हो जाए, स्टॉप पास का प्रेस कर दें तो पास हो जाए, रिसेट कर दें तो वो दोबारा 0 पे सारे डिजिट्स आ जाएं। मैं इसको अगर जूम कर दूं मज़ीद थोड़ा सा तो और बेहतर रहेगा, और चीज़ें बहुत ही क्लियर नज़र आएंगे हमें। अब जो है कोड मैं लिख चुका हूँ ताकि टाइम की बचत रहे। यहाँ पर एलसीडी का कोड लिखा है, उसके बाद मैंने यहाँ पर बटन बिन्स जो है 4, 3, 2 ये जो मैंने कनेक्ट किए हैं स्टार्ट पाज और रिसेट के, ठीक है, स्टार्ट पाज रिसेट के ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, हावर, मिनट्स, सेकंड और मिली सेकेंड के, ठीक है। उसके बाद मैंने बुल फंक्शन लगाया टाइमर के नाम से, क्योंकि ये है कि जब भी हम कोई बटन प्रेस करेंगे तो एक माइक्रो मिली सेकेंड के लिए प्रेस होगी, उसके बाद आप उसके लिए क्या करना होता है कि हमें एक बूल लगाना होता है, ठीक है। बुलियन फंक्शन लाजमी होता है, ट्रू फॉल्स में होते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने बटन बता दिया कि इनपुट पुल अप यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें हम हमेशा उसको हाई रखेंगे। उसके बाद एलसीडी पे मैं कुछ डिस्प्ले कर रहा हूँ, दी ब्राइट लाइट चैनल का नाम डिजिटल स्टॉप वॉच, और उसके बाद जो है यहाँ पर इसके अंदर जो टाइमर होता है उसके नो इंटरप्ट्स, आप जब ये फंक्शन बिल्ड इन फंक्शन लिखेंगे तो ये तमाम उसके जो इंटरप्ट्स होंगे वो डिसेबल हो जाएंगे। उसके बाद कुछ सेटिंग मैंने की है, आप उसको डिटेल से फिर देख सकते हैं, इतना टाइम नहीं कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, आप कमेंट्स मैंने साथ में लिखे हैं। उसके बाद दोबारा इसको एनेबल कर दें, ठीक है, इंटरप्ट्स को। उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया कि अगर स्टार्ट बटन जो है वो प्रेस हो जाए, यानी 0 हो जाए, या इसको आप लो भी कह सकते हैं या जीरो भी कह सकते हैं, ठीक है, लो कह दे तो बेहतर है, और उसके बाद यहाँ पर भी लो कर दें, इसको भी लो कर दें, ठीक है। यानी जब ये प्रेस हो जाए, यानी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ग्राउंड के साथ टच की, जैसे इसको टच कर क्लिक करूँगा तो ये 0 हो जाएगी या लो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब स्टार्ट का होगा तो स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी, जब पास का होगा तो वो स्टॉप हो जाएगी, और जब रिसेट का प्रेस होगा तो हमने क्या करना है, आपने तमाम हावर्स, मिनट, सेकेंड्स और मिली सेकेंड को आपने 0 कर देना है, उसके पहले एक 100 मिली सेकेंड का डिले होगा। उसके बाद ये डिस्प्ले होगा जो भी है एलसीडी डिस्प्ले पे, हावर्स, उसके बाद मिनट्स, उसके बाद सेकेंड, फिर मिली सेकेंड, ठीक है। ये जो 10% और ये वगैरह लिखे, तो इसका मतलब इस यहाँ पर 3 डिजिट्स आपके होंगे,
यहाँ पर आपकी दो डिजिट्स होंगी, यहाँ पर भी दो डिजिट्स और यहाँ पर भी दो डिजिट, ठीक है। तो बाई डिफॉल्ट ये 00 लिखा होगा, नथिंग एल्स अगर कुछ है तो वो रिप्लेस होता जाएगा। यहाँ पर फिर अगर आपके पास क्या होता है, मिली सेकेंड होंगे, मिली सेकेंड एड होते जाएंगे, और उसके बाद जब ये 999 हो जाएंगी, यानी 1000 के बाद जो है ये इसने सेकेंड बन जाना है। तो सब 1000 तक पहुँच जाएंगे तो इसमें मिली सेकेंड 0 हो जाएंगे दोबारा, यानी रिसेट हो जाएगी, उसके बाद सेकेंड बन जाएगा। और सेकेंड जो है वो फिर क्या होगा, वो फिर प्लस होता जाएगा, और जब 59 पर पहुंच जाएंगे तो उससे मिनट बन जाएगा, और फिफ मिनट जब 59 से अब होंगे यानी 60 हो जाएंगे तो आवर्स हो जाएंगे। तो ये मैं रन कर देता हूँ, इसी तरह ये चलता जाएगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ और इसको फिर मैं जैसे ही कंप्लीट होता है तो इसका जो हैक्स फाइल होगा उसका एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से हैक्स फाइल इसका एड्रेस का कॉपी कर दें, कंट्रोल सी प्रेस कर दें। कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद यहाँ पर आकर इसको एडिट प्रॉपर्टीज भी जाएँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। कोई और वैल्यू इसको पहले डिलीट करें, ठीक है, मिटा दें, उसके बाद इसको पुट करके अब इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे रन होगा तो आप देख सकते हैं, फिर जैसे 1 सेकेंड ये लेता है, डिपेंड करता है कि आप, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर द ब्राइट लाइट चैनल का नाम है और डिजिटल स्टॉप वॉच, उसके बाद देख सकते हैं हावर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, मिली सेकेंड। तो मैं जब जैसे ही स्टार्ट का बटन प्रेस करूंगा तो ये मिली सेकेंड स्टोर हो जाएंगे, उसके बाद जैसे मिली सेकेंड पब्लिड होगा, सेकेंड, उसके बाद मिनट्स। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिली सेकेंड शुरू हो गए, और जैसे ये 1000 तक कंप्लीट होंगे तो ये सेकेंड बन जाएगा। और अगर मैं इसको पास करना चाहता हूँ तो इसको मैं पास करूँगा, यहाँ पर क्लिक करके पास हो जाएंगे, देख सकते हैं आप। और उसके बाद ये दोबारा ये बटन प्रेस करूँगा, कोई ना काम नहीं करेगा, ठीक है। अब काम क्या करेगा, स्टार्ट कर, दोबारा मैं इसी स्टार्ट करता हूँ, यहीं से स्टार्ट होंगे। और उसके बाद मैं दोबारा इसको पास करता हूँ, दोबारा यहीं से स्टार्ट करता हूँ उसी से, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको पास कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, और अगर आपने इन्हें रिसेट करना है तो रिसेट करेंगे तो इसे डायरेक्ट रिसेट हो जाएगा, ठीक है, या इसको आप पास करके रिसेट कर दें तो भी बेहतर है, ठीक है। दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं ये आपके पास स्टॉप वॉच है तो ये चलता जाएगा, और जब ये 1000 तक हो जाएंगे तो ये उसके बाद 1 हो जाएगा, ये फिर 0 हो जाएंगे, फिर इसी तरह चलता जाएगा, जब ये फिर 2 हो जाएंगे, इसी तरह ये जो है ये सेकेंड्स है, फिर सेकेंड से जब 60 तक पहुँच जाएंगे, 59 60 जैसी होंगे तो वो 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है 1 हो जाएगा, 1 मिनट, मिनट जब 60 तक पहुँच जाएंगे तो फिर हावर हो जाएंगे। तो इसी तरह ये जो सर्किट डायग्राम है और कोड है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।